नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है। क्रेटर्स ने महिला को काम दिलाने का लालच देकर उसके साथ पहले खुद दुष्कर्म किया, इसके बाद उसे राजस्थान ले जाकर 80,000 रुपए में बेच दिया। राजस्थान में वे 2 माह 18 दिन तक बंधक रही। पुलिस ने महिला को राजस्थान से मुक्त करा लिया है। राजधानी के टीला जमालपुरा इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि क्रेटर्स ने महिला को काम दिलाने का लालच देकर उसके साथ पहले को दुष्कर्म किया, इसके बाद उसे राजस्थान ले जाकर 80,000 रुपए में बेच दिया। जिस युवक ने उसे खरीदा था वे उसके साथ गलत काम करता रहा। इसी बीच महिला ने भोपाल में रहने वाली अपनी बड़ी बहन को फोन कर आप बीती सुनाई। बहन की सूचना पाकर राजस्थान पहुंची पुलिस ने महिला को मुक्त कराया। पुलिस ने मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। टीला जमालपुरा पुलिस ने बताया कि राम मंदिर के पास रहने वाली 24 साल की महिला शादीशुदा है। 3 माह पहले उसे लटेरी का रहने वाला क्रेटर्स मजबूत सिंह मिला। उसने महिला को कैटरिंग का काम दिलाने का लालच दिया। इसी बीच 1 अक्टूबर को एक वह काम करने के बहाने महिला को इटखेड़ी लेकर पहुंचा, इसके बाद लटेरी अपने गांव ले गया जहां उसके साथ 2 दिन तक गलत काम किया। महिला ने जब काम के बारे में पूछा तो वह बोला अब राजस्थान में काम मिलेगा। काम के बहाने महिला को झालावाड़ राजस्थान लेकर पहुंचा जहां महिला को मोर सिंह नामक युवक के पास छोड़ दिया। मजबूत सिंह ने महिला को बताया कि अब तुम्हें यही काम करना है। महिला उसके मंसूबे नहीं समझ सकी। इसी बीच मोर सिंह ने उसे बताया कि 80,000 रुपए में तुम्हें साल भर के लिए खरीद लिया है, तुम्हें पत्नी की तरह घर में रहना होगा। मोर सिंह उसके साथ में गलत काम करता रहा। मोर सिंह के घर में एक अम्मा नाम की महिला भी थी जो मोर सिंह की मदद करती थी। हाल ही में उसे मोर सिंह का मोबाइल मिला। उसके चुपके से अपनी बहन को घटना के बारे में जानकारी दी। बड़ी बहन थाना पहुंचकर पुलिस को घटना के बारे में बताया। हरकत में आई पुलिस राजस्थान के लिए रवाना हुई जहां से महिला को मुक्त कराया। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। एक मामला आया जहां जो कैटरिंग का काम करने वाली एक महिला को राजस्थान में ले जाकर 80,000 में बेच दिया, उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात भी हुई है। क्या पूरा मामला, किस तरह से पुलिस को ये सूचना मिली? इस संबंध में उस महिला के परिजनों ने थाना टीला जमालपुरा में इस महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद मामला जांच में ले लिया था और उस महिला को राजस्थान से बरामद किया है। और वो बरामद होने के बाद उसने अपने कथन में बतलाया है कि 2 व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और ये भी आरोपित किया कि 80,000 रुपये सामने वाले व्यक्ति ने उन दोनों व्यक्तियों से लिए हैं। इस संबंध में हमने धारा 370 धारा 374 धारा 344 IPC के अंतर्गत मामला दर्ज किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमने पार्टी रवाना की हुई है। कहाँ के आरोपी बताए जा रहे हैं? ये राजस्थान के बताए जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या आरोपी का काम क्या था? क्या बंदा वो काम के बहाने लेके गए थे? वो कुछ लोभ लालच देके ले गए थे काम के बहाने से ले गए थे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।